जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो क्या जनवरी से शुरू हो सकता है क्या, और जो एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो क्या दिसंबर के अंदर आ जाएगा। देखिए इन दोनों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, जो फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ था उसके अंदर यही आश्वासन दिया गया था कि जो एक महीने के अंदर जो हो इन दोनों की जो प्रोसेस है वो आपको दिख जाएगी। यानी हमें जो हो लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, सिर्फ सीधा बोला गया था कि एक महीने के अंदर जो हो इनकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। वैसे भी जितने भी ईमेल रिप्लाई आए हैं उनके अंदर यही बोला गया है कि जो रिजल्ट है वो तैयार है लेकिन जो प्रोसेस है वो बाकी है। ठीक है, यानी कि प्रोसेस कौन सी, देखिए कि जो एग्जाम सेंटर है CBT 2 के लिए, CBT 2 के लिए जो हो अभी फ्री नहीं है। ठीक है, इस कारण से हो सकता है वो रिजल्ट लेट हो रहा हो। तो देखिए NTPC का जो रिजल्ट है वो हो सकता है दिसंबर के अंदर आ जाए, जैसा कि रेलवे के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था उसी के आधार पर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो रिजल्ट है वो दिसंबर के अंदर आ जाएगा। कंफर्म है कि आ जाएगा, जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया था उसी आधार पर। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी एग्जाम के बारे में कि ये जो एग्जाम है वो अगर NTPC CBT 2 से पहले होता है। ठीक है, अगर CBT 2 से पहले होता है, जैसा कि पहले का रूल रहा है रेलवे का, उसके आधार पे ये जो हो पहले होना ही चाहिए। तो अगर पहले होता है तो ये जनवरी के अंदर शुरू हो सकता है। ठीक है, यानी जनवरी के अंदर शुरू हो सकता है, तो आपको जो हो इसका नोटिफिकेशन भी दिसंबर के अंदर देखने को मिल जाएगा। आपको जो हो सीटी इंफॉर्मेशन वगैरह जो हो पूरी डिटेल जो नोटिफिकेशन हो दिसंबर के अंदर मिल जाएगा, और जनवरी के अंदर जो इसके एग्जाम शुरू होने के पूरे चांसेस हैं, जो कि रेलवे अधिकारियों ने बताया था उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने लिखित में नहीं दिया था, इस कारण से जो उन पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर हम एक एग्जैक्ट कहें तो ये जो हो NTPC का रिजल्ट दिसंबर में, और बी का जो एग्जाम डेट है वो जनवरी के अंदर शुरू हो सकता है, यानी दिसंबर के अंदर आपको जो हो एग्जाम डेट मिल सकती है। तो यही जो खबर थी वो सामने आ रही थी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के अपडेट जो हो लेकर आते रहेंगे।